In dry-heat sterilization method, bacteria are killed due to reduction of essential cell constituent, halogenation of essential cell constituents, oxidation of essential cell constituent, precipitation of essential cell constituents. In dry-heat sterilization method, bacteria are killed due to. तो क्या देखा था ड्राई हीट स्टरलाइजेशन का प्रिंसिपल? ऑक्सीडेशन. ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर. ऑक्सीडेशन ऑफ इसेंशियल सेल कॉन्स्टिट्यूएंट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन. आईपी 2014 इनकॉर्पोरेट्स 1550 मोनोग्राफ्स, 2050 मोनोग्राफ्स, 2550 मोनोग्राफ्स, 3050 मोनोग्राफ्स. आईपी 2014 इनकॉर्पोरेट्स, तो ये हो जाएगा 2550 मोनोग्राफ्स, ऑप्शन सी. इसमें कुछ 2548 मोनोग्राफ्स है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. वन ट्राई आउंस कंटेंस डैश ग्रेन्स 470, 437.5, 480, 435.7. वन ट्राई आउंस कंटेंस, कितने ग्रेन्स होते हैं वन ट्राई आउंस में? तो 480 होते हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म? ऑइंटमेंट, क्रीम, पेस्ट, इमल्शन. नॉट ए सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म, तो इमल्शन नहीं आएगा इसमें, ऑप्शन डी. इमल्शन आता है बायोफिजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म्स में. ये ऑइंटमेंट, क्रीम, पेस्ट, ये होते हैं एक्सटर्नल सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म्स. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. इक्विपमेंट यूज फॉर मिक्सिंग ऑफ लिक्विड्स आर प्रोपेलर मिक्सर, टर्बाइन मिक्सर, पैडल मिक्सर, ऑल ऑफ द अबव. इक्विपमेंट यूज फॉर मिक्सिंग ऑफ लिक्विड्स, तो इन सब का यूज करते हैं फॉर मिक्सिंग ऑफ लिक्विड्स, ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. प्रिपरेशन ऑफ वाटर फॉर इंजेक्शन बीपी इज बाय द प्रोसेस ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, फ्लैश डिस्टिलेशन, सिंपल डिस्टिलेशन, कंप्रेशन डिस्टिलेशन. कौन से प्रोसेस से करते हैं वाटर फॉर इंजेक्शन? तो सिंपल डिस्टिलेशन का यूज करते हैं, ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर फॉर द प्रिपरेशन ऑफ वाटर फॉर इंजेक्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन. Ointments and pests differ in which of the following characters? Presence of hydrocarbon bases, presence of water miscible bases, presence of large amount of insoluble solids creating emollient effect. Ointments and pests differs in which of the following characters? तो ये होता है presence of large amount of insoluble solids, option C हो जाएगा आपका correct answer. Next question. Moist heat sterilization by autoclaving is इमर्शन इन बॉइलिंग वाटर, स्टीम अंडर प्रेशर, स्टीम एट एटमोस्फेरिक प्रेशर, स्ट्रीमिंग. मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन बाय ऑटोक्लेविंग, तो क्या होता है ये? तो स्टीम अंडर प्रेशर होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. फॉलोइंग इक्विपमेंट इज नॉट यूज फॉर मिक्सिंग ऑफ सॉलिड्स. टम्बलर मिक्सर, डबल कोन ब्लेंडर, एयर मिक्सर, पैडल मिक्सर. नॉट यूज फॉर मिक्सिंग ऑफ सॉलिड्स, तो सॉलिड्स के मिक्सिंग के लिए पैडल मिक्सर का यूज़ नहीं करते, ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर. पैडल मिक्सर होता है लिक्विड्स के लिए. ये टम्बलर मिक्सर, डबल कोन ब्लेंडर, एयर मिक्सर, देन एजिटेटेड पाउडर मिक्सर, इन सब का यूज़ करते हैं फॉर मिक्सिंग ऑफ सॉलिड्स और पाउडर्स. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. इंडिकेट द यूज ऑफ लैनोलिन, इमोलियंट, विस्कोसिटी कंट्रोलर, कलरिंग एजेंट, प्रिजर्वेटिव. तो लैनोलिन होता है इमोलियंट, ऑप्शन ए. नेक्स्ट क्वेश्चन. इंजेक्शंस आर जनरली स्टरलाइज्ड बाय डैश मेथड, कोएगुलेशन, मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन, ड्राई हीट स्टरलाइजेशन और हीटिंग. तो कौन सी मेथड का यूज करते फॉर द स्टरलाइजेशन ऑफ इंजेक्शंस? तो ये होता है मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन, ऑप्शन बी. नेक्स्ट क्वेश्चन. इन साइज रिडक्शन प्रोसेस थर्मोलेबल सब्सटेंसेस कैन बी मिल्ड बाय यूजिंग डिसइंटीग्रेटर, हैमर मिल, बॉल मिल, फ्लूइड एनर्जी मिल. तो कौन सी मिल का यूज करते हैं थर्मोलेबल सब्सटेंसेस के लिए? तो फ्लूइड एनर्जी मिल, ऑप्शन डी. इसका प्रिंसिपल इंपैक्ट एंड एट्रिशन. बॉल मिल का भी प्रिंसिपल होता है इंपैक्ट एंड एट्रिशन. हैमर मिल इंपैक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन. द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ बॉल मिल, तो बॉल मिल अभी देखा इंपैक्ट एंड एट्रिशन. बॉल मिल एंड फ्लूइड एनर्जी मिल का प्रिंसिपल होता है इंपैक्ट एंड एट्रिशन. इंपैक्ट होता है हैमर मिल का वर्किंग प्रिंसिपल. नेक्स्ट क्वेश्चन. द मीनिंग ऑफ लैटिन एब्रिविएशन मिट्टे इज सेंड, डिजॉल्व, लेबल और डिनर. क्या होता है मिट्टे? तो यह होता है सेंड, ऑप्शन ए. नेक्स्ट क्वेश्चन. डैश इज एन एक्स्ट्रा फार्माकोपिया, बीपी, बीपीसी, आईपी, मार्टिनडेल.
डैश इज एन एक्स्ट्रा फार्माकोपिया, तो ये हो जाएगा मार्टिनडेल, ऑप्शन डी मार्टिनडेल इज एन एक्स्ट्रा फार्माकोपिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश कंटेंट्स अल्कली बाइकार्बोनेट साइट्रिक एसिड एंड टार्ट्रिक एसिड विद एक्टिव मेडिकामेंट्स, सबलिंगुअल टैबलेट्स, लोजेंस टैबलेट्स, एफरवेसेंट टैबलेट्स, च्यूएबल टैबलेट्स, इनमें से किसमें होता है अल्कली बाइकार्बोनेट साइट्रिक एसिड एंड टार्टरिक एसिड विद एक्टिव मेडिकामेंट्स, तो ये होते हैं इफरवेसेंट टैबलेट्स, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट फॉर स्टराइल प्रोडक्ट्स, लीक टेस्ट, क्लैरिटी टेस्ट, इंडोटॉक्सिन टेस्ट, पायरोजन टेस्ट, नॉट ए क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट फॉर स्टराइल प्रोडक्ट्स, तो लीक टेस्ट, क्लैरिटी टेस्ट, पायरोजन टेस्ट ये तो होते हैं क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट फॉर स्टराइल प्रोडक्ट्स, इनमें इंडोटॉक्सिन टेस्ट नहीं आएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। इंडोटॉक्सिन टेस्ट इज नॉट ए क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट फॉर स्टराइल प्रोडक्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेम ऑफ द इक्विपमेंट यूज टू मिक्स लिक्विड प्रोडक्ट्स इज फ्लूइड एनर्जी मिल, हैमर मिल, बॉल मिल, प्रोपेलर मिक्सर, इक्विपमेंट यूज टू मिक्स लिक्विड प्रोडक्ट्स, तो लिक्विड प्रोडक्ट्स के मिक्सिंग के लिए प्रोपेलर मिक्सर, टर्बाइन मिक्सर एंड पैडल मिक्सर का यूज करते हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। प्रोपेलर मिक्सर, टर्बाइन मिक्सर, पैडल मिक्सर का यूज करते हैं टू मिक्स लिक्विड प्रोडक्ट्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वाटर सोल्यूबल लुब्रिकेंट, मैग्नीशियम स्टीरेट, पॉलीइथिलीन ग्लाइकॉल, मिनरल एसिड, स्टीरिक एसिड, वाटर सोल्यूबल लुब्रिकेंट, तो पॉलीइथिलीन ग्लाइकॉल हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉन आयनिक सर्फेक्टेंट वेसिकल्स आर टर्म्ड एज लाइपोसोम्स, ट्रांसफेरोसोम्स, इथोसोम्स, नियोसोम्स, नॉन आयनिक सर्फेक्टेंट वेसिकल्स आर टर्म्ड एज, तो इन्हें बोला जाता है नियोसोम्स, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सप्लीमेंट ऑफ सेकेंड इंडियन फार्माकोपिया वॉज पब्लिश्ड इन, कब आया था सेकेंड आईपी का सप्लीमेंट, तो सेकेंड आईपी वॉज पब्लिश्ड इन 1966 एंड इसका सप्लीमेंट आया था 1975 में, ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। सेकेंड आईपी वॉज पब्लिश्ड इन 1966 एंड सप्लीमेंट ऑफ सेकेंड आईपी वॉज पब्लिश्ड इन 1975। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉकलियर मैग्नम मीन्स वन टम्बलर फुल, वन डेजर्ट स्पून फुल, वन टी स्पून फुल, वन टेबल स्पून फुल, कॉकलियर मैग्नम, तो ये होता है वन टेबल स्पून फुल, ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। कॉकलियर मैग्नम, कॉकलियर एम्पलम, कॉकलियर मैक्सिमम ये होते हैं वन टेबल स्पून फुल, वन डेजर्ट स्पून फुल होता है कॉकलियर मीडियम एंड वन टी स्पून फुल होता है कॉकलियर मिनिमम, ठीक है, वन टी स्पून फुल कॉकलियर मिनिमम, वन डेजर्ट स्पून फुल कॉकलियर मीडियम एंड वन टेबल स्पून फुल कॉकलियर मैग्नम, कॉकलियर एम्पलम एंड कॉकलियर मैक्सिमम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एच एल बी वैल्यू ऑफ सर्फेक्टेंट्स इन द रेंज ऑफ 13 to 15 हैज एप्लीकेशन एज डिटर्जेंट्स, इमल्सिफाइंग एजेंट्स, वेटिंग एजेंट्स, एंटीफोम्स, एच एल बी वैल्यू ऑफ सर्फेक्टेंट्स इन द रेंज ऑफ 13 to 15, तो ये डिटर्जेंट होते हैं, डिटर्जेंट्स 13 to 15, एंटीफोमिंग एजेंट का एच एल बी वैल्यू कितना होता है, तो ये होता है 1 to 3, देन फोमिंग एजेंट का होता है 8, वेटिंग एजेंट्स का होता है 7 to 9, देन इमल्सिफाइंग एजेंट्स का, तो वाटर इन ऑयल इमल्सिफाइंग एजेंट्स का होता है 3 to 6 एंड ऑयल इन वाटर इमल्सिफाइंग एजेंट का होता है 8 to 16, ठीक है, एंड डिटर्जेंट्स का 13 to 15। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल्स इज यूज्ड इन द गैसियस मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन, इथिलीन ऑक्साइड, फॉर्मलडिहाइड, क्रेसॉल, फिनॉल, किसका यूज करते हैं गैसियस स्टरलाइजेशन में, तो इथिलीन ऑक्साइड, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट कॉमनली यूज्ड मिक्सर फॉर मिक्सिंग ऑफ सेमी सॉलिड इज सिग्मा आर्म मिक्सर, प्लैनेटरी मोशन मिक्सर, एजुटेटर मिक्सर, टम्बलर मिक्सर, कॉमनली यूज मिक्सर फॉर मिक्सिंग ऑफ सेमी सॉलिड्स, तो ये होता है प्लैनेटरी मोशन मिक्सर, ऑप्शन बी, प्लैनेटरी मोशन मिक्सर का यूज करते फॉर द मिक्सिंग ऑफ सेमी सॉलिड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए नेचुरल इमल्सिफाइंग एजेंट फ्रॉम एनिमल सोर्स, जिलेटिन, पेक्टिन, अकेशिया, कॉन्ट्रस, नेचुरल इमल्सिफाइंग एजेंट फ्रॉम एनिमल सोर्स, तो ये होता है जिलेटिन, ऑप्शन ए, जिलेटिन, एग योल्क, वूल फैट, ये होते हैं इमल्सिफाइंग एजेंट्स फ्रॉम एनिमल सोर्स, ये पेक्टिन, अकेशिया, कॉन्ट्रस, देन स्टार्च, अगार,
ये होते हैं इमल्सिफाइंग एजेंट्स फ्रॉम वेजिटेबल सोर्सेस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पैडल मिक्सर इज यूज्ड फॉर मिक्सिंग पाउडर्स लिक्विड्स सॉलिड्स ऑल ऑफ दीज। पैडल मिक्सर किसकी मिक्सिंग के लिए यूज करते हैं पैडल मिक्सर का? तो लिक्विड्स की मिक्सिंग के लिए यूज करते हैं पैडल मिक्सर, ऑप्शन बी। अभी हमने देखा था टर्बाइन मिक्सर, पैडल मिक्सर, प्रोपेलर मिक्सर, ठीक है, फॉर मिक्सिंग ऑफ लिक्विड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीजवैक्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ ऑइंटमेंट बेस? हाइड्रोकार्बन और ओलिजिनस, एब्जॉर्प्शन, वाटर सोल्यूबल और वाटर मिसिबल और रिमूवेबल। बीजवैक्स कौन से टाइप में आता है ऑइंटमेंट बेस के? तो ये होता है एब्जॉर्प्शन बेस, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मील इज यूज्ड फॉर ग्राइंडिंग ऑफ टॉक्सिक मटेरियल्स? बॉल मिल, डिसइंटीग्रेटर, फ्लूइड एनर्जी मिल, हैमर मिल। किसका यूज करते हैं फॉर द ग्राइंडिंग ऑफ टॉक्सिक मटेरियल्स? तो बॉल मिल का यूज करते हैं, ऑप्शन ए। इसका प्रिंसिपल इंपैक्ट एंड एट्रिशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए ट्रांसपेरेंट और ट्रांसलूसेंट सेमी सॉलिड प्रिपरेशन फॉर एक्सटर्नल यूज इज? पेस्ट, क्रीम, लोशन, जेलीज। ए ट्रांसपेरेंट और ट्रांसलूसेंट सेमी सॉलिड प्रिपरेशन फॉर एक्सटर्नल यूज, तो ये हो जाएंगी जेलीज, ऑप्शन डी। जेलीज होती है ट्रांसपेरेंट और ट्रांसलूसेंट सेमी सॉलिड प्रिपरेशन फॉर एक्सटर्नल यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ एब्जॉर्प्शन बेस? मैक्रोगोल, कोकोनट ऑयल, पीईजी, वूल फैट। क्या आएगा इसमें से एब्जॉर्प्शन बेस में? तो एब्जॉर्प्शन बेसिस में आता है वूल फैट, बीजवैक्स, वूल अल्कोहल, ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन फार्माकोपिया यूजेस मैट्रिक सिस्टम, अवर्डुपोई सिस्टम, एपोथेकरी सिस्टम, ऑल ऑफ दीज। इंडियन फार्माकोपिया यूजेस, तो मैट्रिक सिस्टम का यूज होता है इंडियन फार्माकोपिया में, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट ऑफ टाइप बी जिलेटिन डिराइव फ्रॉम एन अल्कली ट्रीटेड प्रीकर्सर इज? पीएच 7.2, पीएच 6.5, पीएच 9 और पीएच 4.7। आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट ऑफ टाइप बी जिलेटिन डिराइव फ्रॉम एन अल्कली ट्रीटेड प्रीकर्सर, तो ये होता है 4.7, पीएच 4.7, ऑप्शन डी। टाइप ए जिलेटिन का होता है पीएच 9। नेक्स्ट क्वेश्चन, इक्विपमेंट्स यूज फॉर मिक्सिंग ऑफ सेमी सॉलिड्स आर? ट्रिपल रोलर मिल, एजिटेटर मिक्सर, प्लेनेटरी मिक्सर, ऑल ऑफ द अबव। मिक्सिंग ऑफ सेमी सॉलिड्स, तो सेमी सॉलिड्स प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था, ट्रिपल रोलर मिल, एजिटेटर मिक्सर, प्लेनेटरी मिक्सर, इन सब का यूज करते हैं फॉर द मिक्सिंग ऑफ सेमी सॉलिड्स, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द प्रोसेस यूज टू किल पैथोजेनिक बैक्टीरिया इन मिल्क विदाउट अफेक्टिंग इट्स न्यूट्रिशनल वैल्यू? पाश्चराइजेशन, ऑटोक्लेविंग, रेडिएशन स्टरलाइजेशन, गैसियस स्टरलाइजेशन। प्रोसेस यूज टू किल पैथोजेनिक बैक्टीरिया इन मिल्क, तो ये होता है पाश्चराइजेशन, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पाउडर ऑफ विच ऑल पार्टिकल्स पास थ्रू सीव नंबर 120 इज सेड टू बी? मॉडरेटली कोर्स पाउडर, मॉडरेटली फाइन पाउडर, वेरी फाइन पाउडर। ए पाउडर ऑफ विच ऑल पार्टिकल्स पास थ्रू सीव नंबर 120, तो 120 होता है फाइन पाउडर, ऑप्शन सी। कोर्स 10, मॉडरेटली कोर्स 22, मॉडरेटली फाइन 44, फाइन 85, वेरी फाइन 120। नेक्स्ट क्वेश्चन, डुबॉइस फॉर्मूला इज यूज टू कैलकुलेट डैश लोडिंग डोज, एडल्ट डोज, बीएसए ऑफ इंडिविजुअल डोज, चाइल्ड डोज। डुबॉइस फॉर्मूला किसके लिए होता है? तो ये होता है फॉर द कैलकुलेशन ऑफ बीएसए ऑफ इंडिविजुअल डोज, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फ्रिक्शनल फोर्सेस ऑफ लूज पाउडर आर मेजर्ड बाय द डैश डिसोल्यूशन, डिसइंटीग्रेशन, एंगल ऑफ रिपोज, यूनिफॉर्मिटी ऑफ वेट। द फ्रिक्शनल फोर्सेस ऑफ लूज पाउडर आर मेजर्ड बाय यूजिंग, तो इनके लिए यूज करते हैं एंगल ऑफ रिपोज का, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 ounce अवर्डुपोइस कंटेंस डैश ग्रेन्स, कितने ग्रेन्स होते हैं 1 ounce अवर्डुपोइस में? तो ये होते हैं 437.5, ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। 1 ounce अवर्डुपोइस कंटेंस 437.5 ग्रेन्स, एंड अवर्डुपोइस सिस्टम में स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ वेट होता है पाउंड, एंड अपोथेकरी सिस्टम में स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ वेट होता है ग्रेन्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, टू प्रिपेयर फार्मास्यूटिकल सस्पेंशन एंड इमल्शन पार्टिकल साइज इज मेड लेस देन 1 micron, द इक्विपमेंट यूज्ड इज? कोलाइड मिल, बॉल मिल, ट्रिपल रोलर मिल, हैमर मिल।
कौन सी मिल का यूज करते हो टू प्रिपेयर फार्मास्यूटिकल सस्पेंशन एंड इमल्शन जिसमें पार्टिकल साइज इज मेड लेस देन 1 माइक्रोन? तो इसके लिए यूज करते हैं कोलाइड मिल का, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, थैंक यू।